मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी, और स्टोरी को बनाते कैसे हैं ये जरूर देखें। मेरे साथ आपको बने रहना है और स्टोरी को बनाना सीखना है, ठीक है? देखिएगा, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था, ठीक है? इसको मैंने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस तो डियर से बनते हैं, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे कि डियर वॉज रूल्ड, डियर वॉज रूल्ड यानी शासन करता था या राज्य करता था। कौन? राजा। डियर वॉज रूल्ड अ किंग, राजा। विक्रमादित्य नाम का, नेम्ड, नाम का मतलब नेम्ड, विक्रमादित्य। इस देश में की अंग्रेजी इन देश, देश यानी कि कंट्री या नेशन, ठीक है? प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम या इन पास्ट, इन पास्ट, ठीक है? या एंशियंट टाइम भी आप लिख सकते हैं। तो आपने बनाया देयर वॉज रूल्ड अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य इन दिस कंट्री इन पास्ट, ठीक है? आगे देखिएगा, वह बड़ा न्यायी था, वह बड़ा न्यायी था। वह की अंग्रेजी ही, वॉच यानी कि था, बड़ा के लिए वेरी, और न्यायी का मतलब होता है जस्टिक। ही वॉज वेरी जस्टिक, वह बहुत न्यायी था या वह बड़ा न्यायी था। अब अगला टेंस हम पढ़ें, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। वाक्य अंत में क्या आया? ते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज भी हम चाहे आगे लगा दें या चाहे पीछे लगा दें, आज भी की अंग्रेजी होती है इवन टुडे, इवन टुडे, आज भी। लोग उसके न्याय के, लोग यानी कि प्यूपिल, प्यूपिल, अब पीछे पहुंचेंगे, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना होता है प्रेज या एडमायर, प्रेज, प्यूपिल प्रेज उसके न्याय की। तो हिज जस्टिक, ठीक है, प्यूपिल प्रेज हिज जस्टिक, ठीक है? तो जस्टिक, ठीक है, प्यूपिल प्रेज हिज जस्टिक, लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आगे, एक दिन कुछ लड़के किसी गांव के निकट एक जंगल में खेल रहे थे। सबसे पहले हम पहचान करेंगे टेंस कौन सा है। तो हमने देखा रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा एक दिन, चाहे हम आगे लिख दें या पीछे, वन डे, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट देखा कौन खेल रहा था, उत्तर मिला कुछ लड़के, कुछ लड़के की अंग्रेजी बनाएंगे सम बॉयज, सम बॉयज, कुछ लड़के। अब खेल रहे थे तो ज्यादा है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, खेलना प्लेइंग, सम बॉयज वर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे थे कहाँ, एक जंगल में। आगे बढ़ते जाएंगे, एक जंगल में, तो इन अ फॉरेस्ट, जंगल की हम जंगल भी लिख सकते हैं, इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। किसी गांव के निकट, निकट मतलब नियर बाई, नियर बाई अ विलेज, नियर बाई या विलेज यानी गांव के नजदीक या गांव के पास, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। वहां, वहां की अंग्रेजी हम लिख देंगे डियर, वहां। उन्होंने, किन्होंने, लड़कों ने, तो लड़के तो ज्यादा होते हैं तो हम लिख सकते हैं दी, उन्होंने। पीछे पहुंचे देखा यानी कि सा, देसा, क्या देखा, एक मिट्टी का ढेर, ढेर होता है हीप, देसा अमाउंट भी लिख सकते हैं या हीप ऑफ मड, मड मीन्स मिट्टी, सॉइल मीन्स भी मिट्टी होता है।
तो दिस आर अ हीप ऑफ मड, उन्होंने मिट्टी का ढेर देखा, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी और बात है, जो पत्थर से ढका हुआ था, तो जो कि अंग्रेजी बन जाएगी विच, वॉज ढकना कवर्ड, विच वॉज कवर्ड, ठीक है, विथ स्टोन, ठीक है, विच वॉज कवर्ड विथ स्टोन, जो पत्थर से ढका हुआ था, आगे उनमें से एक लड़का पत्थर पर बैठ गया, गया या आया या ई ए ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, सब्जेक्ट निकाल लो पहले, कौन बैठ गया, उनमें से एक लड़का, ठीक, तो आप लिख सकते हैं अ बॉय ऑफ डैम, उनमें से एक लड़का, अ बॉय ऑफ डैम बैठ गया, सेट बैठ गया, ठीक है, पत्थर पर एट द स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, तो अ बॉय ऑफ देम सेट ऑन द स्टोन भी लिख सकते हैं, या एट, चलो ऑन ही लिख दिया, ऑन द स्टोन, ठीक है, उसने अपने साथियों से कहा, तो उसने की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, ही कहा यानी कि सेड, ही सेड टू अपने साथियों से, हिज फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने साथियों से कहा, मित्रों यानी कि फ्रेंड्स, क्या लिखोगे, फ्रेंड्स मित्रों कॉमा, अब मैं विक्रमादित्य हो गया हूं, अब यानी कि नाउ, अब मैं यानी कि आई हैव, देखो या हूं आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आई हैव होना होता है बिकम, आई हैव बिकम, या आई हैव बीन भी लगा सकते हैं, आई हैव बीन या आई हैव बिकम विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, तुम सब अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ, तो यू अब ले आना, ब्रिंग, यू ब्रिंग योर ऑल केसेज, अपने सभी मुकदमे मेरे पास, टू मी, ठीक है, यू ब्रिंग योर ऑल केसेज टू मी, आप सब अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ, मैं न्याय करूंगा, आई विल डू, आई विल डू जस्टिक, मैं न्याय करूंगा, आई विल डू जस्टिक, मैं न्याय करूंगा, सही समझ में आ रहा है ना, देखो हमें स्टोरी बनाना भी सीखना है, ठीक है ना, उसके निर्णय की चर्चा दूर दूर तक फैली, उसके निर्णय की चर्चा, चर्चा यानी कि र्यूमर, र्यूमर्स ऑफ हिज जस्टिक, र्यूमर ऑफ हिज जस्टिक, उसके निर्णय की चर्चा फैली यानी स्प्रेड दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैली, प्रत्येक व्यक्ति उस लड़के के न्याय से संतुष्ट होता था, तो कौन होता था, प्रत्येक व्यक्ति, तो हम लिखेंगे एवरी पर्सन वॉज सेटिस्फाइड, एवरी पर्सन वॉज सेटिस्फाइड उसके न्याय से, विथ द जस्टिक ऑफ दैट बॉय, ठीक है, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति वॉज सेटिस्फाइड, संतुष्ट होता था, विद द जस्टिक ऑफ दैट बॉय, उस लड़के के न्याय से, आगे जब वह मिट्टी का ढेर खोदा गया, प्रश्न में बनेगा आप जी, तो व्हेन, जब वह मिट्टी का ढेर, ठीक है, That heap
ऑफ मड, वह मिट्टी का ढेर। बाज डग, डिक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डग। व्हेन दैट हीप ऑफ मड वॉज डग, जब वह मिट्टी का ढेर खोदा गया तो लोगों को मालूम हुआ। तो प्यूपिल, ठीक है, वॉज, सॉरी, पीपल केम टू नो, मतलब व्यक्तियों को जानकारी मिली या व्यक्तियों को मालूम हुआ। पीपल केम टू नो, व्यक्तियों को ज्ञात हुआ दैट कि सचमुच, रियली, वह राजा विक्रमादित्य के बैठने का स्थान था। तो दैट वॉज सिटिंग क्या पैलेस के, हम स्थान के लिए पैलेस भी लगा सकते हैं और हम सीट भी लगा सकते हैं, सिटिंग सीट, सिटिंग सीट ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमा दित्य। तो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें स्टोरी और भी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर एक बार विजिट कर लें, उसमें 60-70 स्टोरी ऐसी ही डली हुई हैं जो परीक्षाओं में अधिकांशतः आती रहती है। चलिएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।